सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कौन किस काबिल है ये कौन जानता है, जिसने कुछ किया ही नहीं उसे कौन पहचानता है। कौन किस काबिल है ये तो वक्त बताता है, जो वक्त की सही कद्र करना सही से जानता है। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वो अपना हो या अपनों का। आज का पंचांग 6 जनवरी 2021 दिन बुधवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि 2:06 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सम 5:09 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:32 से 1:52 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कन्या राशि पर सुबह 4:29 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 6 जनवरी 2021 दिन बुधवार, आप किसी करीबी को कोई सलाह देंगे और वह इसे बहुत कृतज्ञता के साथ स्वीकार करेगा। आप आज बहुत अच्छे और नरम मूड में हैं। आज के दिन अपने पुराने दोस्तों से संपर्क स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा है। अपने किसी पुराने स्कूल के दोस्त से फोन पर बातें कर ली, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पिछले मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए भी अच्छा समय है। व्यवस्था के बावजूद आप अपने मित्र व रिश्तेदारों के संपर्क में रहेंगे, इससे संबंध मजबूत होंगे। किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह को नजरअंदाज ना करें, इससे आपको अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं से संबंधित उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। समय कम है और आपको अधिक से अधिक काम आज ही निपटाने की आवश्यकता होगी, इसलिए थोड़ा तनाव आप पर बना रह सकता है, लेकिन एकाग्रता की वजह से काम आसान भी लगेंगे, प्रगति भी तुरंत नजर आएगी। सरकारी दस्तावेज संबंधित काम किसी की मदद द्वारा जल्द पूरी हो सकती है। करियर को आगे बढ़ाने के आपके प्रयत्न सफल रहेंगे। पार्टनर की तरफ से किसी बात को लेकर आप पर तनाव बढ़ाया जा सकता है। भागा दौड़ी की जीवन शैली में खुद की सेहत नजरअंदाज ना करें। सावधानियां, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कोई अप्रिय घटना से मन में तनाव तथा भय हावी हो सकता है। कुछ समय मेडिटेशन में व्यतीत करने से आपके अंदर सकारात्मकता आएगी। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी का आपसे सामंजस्य उचित बना रहेगा। मित्रों से आपसे मेल मुलाकात से सबको खुशी मिलेगी। लोग आपके पास सहानुभूति के लिए आएंगे और आप गलती से इसे ध्यान खींचने का प्रयास मान बैठेंगे। जो लोग पहले से किसी संबंध में हैं, वे दिल से एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहेंगे। आप उनके साथ अकेले रहकर चुपचाप सी बातचीत के जरिए अपने विचार साझा करना चाहेंगे। बात करते हैं करियर की। व्यापार में अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर करने का प्रयास आपको करना होगा। इस समय कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। सावधान रहें, कार्यस्थल पर कोई चोरी होने जैसी घटना हो सकती है। सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि ना लें। आज के दिन आपके लिए व्यस्त रहने की संभावना भी है, क्योंकि आपकी उपस्थिति अलग अलग दिशाओं में वांछनीय होगी। हालांकि अपने व्यक्तिगत विकास के लिए आप अधिक से अधिक समय समर्पित करने की कोशिश करें। ऑनलाइन परीक्षाओं या प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कुछ मार्गदर्शन भी तलाश करें।
अच्छा, आपको खर्चों की तुलना में अधिक बचत पर ध्यान देना होगा। बात करते हैं सेहत की। अगर आप अपनी सेहत के बारे में जागरूक हैं तो आज आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। हालांकि आपको जंक फूड खाने के मौके मिलेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए जंक फूड खाने से बचें। आपने अपनी पिछली बुरी आदतों और लतों से छुटकारा पाने और स्वास्थ्य का जीवन शैली अपनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। आज किसी अस्थायी लालच के चक्कर में पड़कर अपनी उस मेहनत को बेकार ना करें। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।